नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सदर यानी नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अजहरी साहब है, और देश में जो घटनाएं हो रही है उन कुछ घटनाओं पर, महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले MNTV पर आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग की जो वारदातें हो रही है, जो घटनाएं सामने आ रही है, उसके पीछे के कारण क्या है? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है? जब से BJP की सरकार मरकज़ में आई है, मॉब लिंचिंग के वाकयात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। पिछले सरकारों के 10 बरस के अरसे में जितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए थे, मौजूदा हुकूमत के 5 साल में उससे कहीं ज़्यादा हो गए। ये राजनीतिक, ये मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे पसमांदा तबकात, ख़ास तौर पर SC और ST के साथ भी हो रहे हैं। ज़्यादातर वाकयात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि दूसरे पसमांदा तबकात के साथ भी हो रहे हैं। और अगर उनका कोई नौजवान शादी के लिए घोड़ी के ऊपर चढ़कर जाता है, तो ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि उसको उतार कर उसे मारा जाता है, और कभी कभी इतना मारा जाता है कि वो मौत के घाट उतर। ये सारे वाकयात जो देश में हो रहे हैं, और गुज़िश्ता 5-6 साल के अरसे में जिसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, ये हमारी सोच के हिसाब से हरगिज़ कमीनल वाकयात नहीं हुए हैं। कमीनल कहना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, क्योंकि ये इक्का दुक्का होते हैं और ये पूरे तौर पर राजनीतिक मसला है। कुछ ताकतें इस तरीके से छुटपुट वाकयात करके मॉब लिंचिंग के, और मज़लूम तबकात के लोगों को मौत के घाट उतार कर पूरे देश की जनता को दो हिस्सों में बांट देना चाहते हैं, मुसलमानों को अलग थलग कर देना चाहते हैं। ये 100% ये सियासी मसला है। लंबे अरसे तक दिल्ली की कुर्सी के ऊपर बैठे रहने के लिए एक बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए अगर कोई एक समाज, कोई एक तबका तने तना मैदान में आता है, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। चूँकि ये सियासी मसला है और कम्युनल मसला हरगिज़ नहीं है, इसलिए तमाम मज़लूम तबकात को, SC ST और माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों और सिखों को, इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि देश में ये मसला हरगिज़ हिंदू मुस्लिम मसला न बनने पाए। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम मसला बन जाता है, वो माइनॉरिटीज़ को अलग करके बाकी सब को अपने फोल्ड में लाकर और फिर अपना हामी और मददगार हर सतह के ऊपर बुलाने की कोशिश करते हैं। हमें इस मसले को देश में ज़ालिम व मज़लूम का मसला बनाना चाहिए, और वो सारी कम्युनिटीज़, चाहे वो हज़ारों साल से मज़लूम हो, चाहे आज़ादी के बाद से मज़लूम हो जैसे मुसलमान, और हज़ारों साल की पिछली मज़लूम कम्युनिटीज़ SC ST OBC वगैरह, ये सब मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, आंदोलन करें। जब वो ताकतें देखेंगी कि उनका ये हथियार कारगर नहीं हो रहा है, तो फिर इस किस्म के वाकयात में बेपनाह कमी वाक़े होगी। हरगिज़ इसमें हथियार को उठाने का या लड़ने भिड़ने का कोई ऐसा मशवरा इस वक्त माइनॉरिटीज़ को देना सही नहीं है। सही यही है कि सारे मज़लूम तबकात इकट्ठा हों, एक साथ सड़क पर निकलें, जुल्म के ख़िलाफ़, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। यही इतना करना उनके मसाइल के हल के लिए काफ़ी होगा। जी, आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दिया कि मैं ये पूछने वाला था कि इसे रोकने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, वो भी आपने बता दिया है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के सभी आरोपी यानी 168 आरोपी जो है, वो सारे के सारे बरी हो गए हैं, और इनको बरी करने के लिए
प्रशासन का और शासन का बड़े पैमाने पर रोल है, उन्होंने बड़े पैमाने पर उसमें हस्तक्षेप किया हुआ है, तो क्या ये सत्ता का नाजायज उपयोग नहीं है? देखिए, जो कुछ मुजफ्फरनगर में जो अंधोहनाक हादसात हुए थे, और वो हादसात अगरचे के समाजवादी पार्टी के दौर इख्तदार में हुए थे, लंबे अरसे तक चले और बहुत मज़लूम तबकात के लोग मारे गए, इज्जतें लूटी गईं, पूरा देश उसके ऊपर चीख उठा, सरकार भी कुछ करने के ऊपर मजबूर हो गई। लेकिन जब से सरकार बदली है यूपी में, और हमारा अपना ख़ुद का मुशाहदा है कि मरकज़ में जब सरकार बदली 2014 में, तो महाराष्ट्र में जो बम धमाकों के मुलज़मीन थे, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चूँकि इस किस्म के फसादात करवाने में, मालेगांव में बम धमाका करवाने में वही शक्तियाँ बरसरे पैकार थीं, बरसरे पर्दे के पीछे से, जो आज यूपी और मरकज़ में बरसरे इख्तदार हैं, यही शक्तियाँ। अफसोस इसका है कि उस वक्त की जो सरकारें थीं मरकज़ में और यूपी में, वो इन शक्तियों के साथ निबर आजमा होने के लिए और इनको सख्ती के कुचलने के लिए उनमें अज़्म हौसले की और विल पावर की कमी थी, इसलिए ये ताकतवर हुई। और अब चूंकि इख्तदार इनके हाथ में आ गया है, इसलिए बम धमाके के मुलजमीन पर से भी केस को हल्के से हल्का करने की ये कोशिश कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी लोग जो 2008 के बम धमाकों में मालेगांव से गिरफ्तार किए गए थे, ये तो एडवोकेट रोहिणी शाली ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि मुझ पर दबाव है कि मैं इनके केसेस को कहना चाहिए हल्का से हल्का करूं, जो कुछ वहां किया गया और उसके नतीजे में इनकी बेल हुई। लेकिन बाज़ जजेस ईमानदार होते हैं और वो अपना फरीज़ा कमा हक़ अदा करना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर आज भी केसेस बाकी हैं और अदालत में केस चल रहा है। वरना इनकी ख्वाहिश तो ये थी कि इनको अदालतों के ज़रिए क्लीन चिट मिल जाए। इसी तरीके से योगी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो मुजफ्फरनगर के इंसानियत को शर्मशार कर देने वाले हादसात के ऊपर वही पॉलिसी अपना रहे हैं, और जिनको पहले मुजरिम और मुलजिम गर्दाना गया, ये उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ दबाव से, मुख्तलिफ तरीक़ों से वे इस कोशिश में लगे हुए हैं। ये बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। अगर हुकूमतें मुलजिमों को और मुजरिमों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो देश में अमन अमान कैसे क्या बाकी रहेगा? ये देश के हित में भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होता कि जो मुलजिम है, जिसने जुर्म किया है, सारे शवाहिद और सबूत इकट्ठा किए जाते, उनको सज़ा दी जाती। लेकिन लग रहा है कि ये उन्हें सज़ा दिलाने की बजाय उन्हें इनाम देना चाहते हैं। वो वक्त दूर नहीं कि जब ये इन्हें इनाम भी दे। माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि मॉब लिंचिंग करने वालों को इन्होंने फूल हार पहनाया। जी, ईवीएम की अगर हम बात करें, तो आप भी देश भर में घूमते हैं और ईवीएम के मसले पर काफ़ी सारा घमासान मचा हुआ है, उसमें आप भी अपनी बात रखते हैं, तो लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, खासकर मैं मुस्लिम तबकातों की अगर बात करें? देखिए, 2014 का जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जो सारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक था, लेकिन माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। उसके कुछ ही दिनों के बाद बहुजन क्रांति मोर्चा का एक बड़ा प्रोग्राम, एक रैली अहमदाबाद में हुई, या तो 2014 ही के आखिर में हुई या 2015 में। पहली मरतबा वहाँ मैंने बामसेफ के चेयरमैन वामन मिश्राम साहब की ज़ुबानी सुना कि मशीनों में काफ़ी कहना चाहिए कि घोटाला किया गया है, और ये जो सरकार आई है वो मशीनों में घोटाले के नतीजे में आई है। मैं ख़ुद भी वहाँ पर मेहमान था और मेरी भी तकरीर हुई वहाँ पर, सारी चीज़ें। उस वक्त मैं हैरत में पड़ गया कि मिश्राम जी कैसी बात कर रहे हैं,
इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, वो आ गए। मैं ख़ुद शक और शुबे में था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और अब जब 2019 का रिज़ल्ट आया और बहुत सारी मिसालें ऐसे मीडिया के ज़रिए आवाम में आईं कि मशीनों में किसी पार्टी के ऊपर वोट के लिए बटन दबाया जाता है लेकिन वोट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है वो कंवल को, एक ही मिसाल मिलती है ऐसी कि कंवल को ही कहना चाहिए ट्रांसफ़र होता है, मशीन में अगर कोई फॉल्ट हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो कभी वोट जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल के ऊपर पड़ना चाहिए, पंजे के ऊपर पड़ना चाहिए, कार्ड के ऊपर भी पड़ना चाहिए, लेकिन वो मशीन ऐसी गलती नहीं करती। गलती करती है तो ऐसी कि बटन दबाओ आप पंजे के ऊपर, बटन दबाओ आप किसी और पार्टी के ऊपर, लेकिन कंवल को ही वो चला जाता है। इसका मतलब ये कि उसको मैनेज किया गया है। उस वक्त मैं ख़ुद शक व शुबे का शिकार था, लेकिन आज मैं इस यकीन पर पहुँच चुका हूँ और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि मौजूदा सरकार जो है वो मशीनों के घोटाले के ज़रिए इख्तदार पर आई है। अगर फेयर एंड फ्री इंतखाबात होते जैसा कि बाबा साहब ने कहा है तो ये हरगिज़ हरगिज़ इख्तदार पर नहीं आ सकती। मिश्राम जी ने कई मरतबा कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि मौजूदा बीजेपी सरकार संसद में बहुमत में है लेकिन आवाम में, पब्लिक में और जनता में वो अल्पमत में है। यही वजह है कि इनके दोबारा इतनी भारी तादाद में जीत हासिल करने के बाद जो गैर मामूली खुशी आवाम में होनी चाहिए थी उस खुशी का इजहार कहीं नज़र नहीं आया, नॉर्मल में वे में उसको लिया गया। इसका मतलब यह है कि आवाम भी नहीं चाहते थे, ये मशीनों की करामत है, मशीनों के ज़रिए हुआ है। हम चाहते हैं कि इन मशीनों को भी ये लोग कोई ऐसा मकाम और मर्तबा दें कि उसकी भी कहना चाहिए कि वो पूरा फूल हार किया जाए, मालाएं पहनाए जाए और सारी चीज़ें की जाए। जब ईवीएम घोटाले की बात होती है तब अक्सर 2014 या 2019 का जिक्र होता है, लेकिन ईवीएम को लाने में जिस तरह से कांग्रेस का रोल रहा 2004 और 2009 के जो चुनाव, आम चुनाव जो हुए वो कांग्रेस ने ईवीएम से करवाए, तो उसमें भी घोटाला करके ही उन्होंने चुनाव जीते हैं। ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव हो या एलके अडवाणी हो, उन्होंने भी आरोप लगाए थे 2009 के चुनाव के बाद, उस पर बात नहीं होती। खासकर मुस्लिम तबकात जो है उनकी तरफ से या मुस्लिम कयादत जो है उनकी तरफ से कांग्रेस पर इस प्रकार के कोई आरोप या इस प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है। हमें हैरत है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने एक लंबे अरसे तक देश पर हुकूमत की और पिछले दिनों इलेक्शन होने से पहले जिस किस्म का वो प्रचार करती रही और जैसा रिज़ल्ट उसके बारे में आया, उनकी भी कहना चाहिए कि उम्मीदों और आरजुओं के बिल्कुल ख़िलाफ़ रिज़ल्ट आया। होना ये चाहिए था कि वीएम की गड़बड़ी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी तहरीक और सबसे मुअस्सर आवाज़ कांग्रेस की तरफ से उठाई जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो कोई बड़ा ठोस तहरीक इस सिलसिले में नहीं खड़ी कर रहे हैं, इससे इस बात को यकीन हासिल होता है कि यकीनन पिछले 2014 से पहले के दो इंतखाबात में मशीनों की गड़बड़ी के ज़रिए कांग्रेस भी इख्तदार में आई थी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुफिया समझौता हुआ था। जब इन्हें ये मालूम हो गया कि मशीनों के ज़रिए कांग्रेस इलेक्शन जीतने वाली है तो जो बड़ी शक्तियां हैं जो असल देश के ऊपर हुकूमत करती हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों आलाकार हैं, असल हाकिम तो कहीं और बैठे हुए हैं, वो इनको नचाते हैं और ये इनको कहना चाहिए कि हिलाते हैं। तो वहाँ ये समझौता हुआ होगा कि ठीक है, दो मरतबा हम इस्तेमाल, एक मरतबा इस्तेमाल कर चुके, एक मरतबा और करते हैं, दो मरतबा तुम इस्तेमाल करना, इसलिए ये खामोश हैं। ये खामोशी इस बात की दलील है के यकीनन माजी में इन लोगों ने भी मशीनों के ज़रिए कामयाबी हासिल की थी। मुसलमानों को ये चीज़ देर पे समझ में आई मगर अब आ रही है। अब मुसलमान भी कह रहे हैं
कि ये वोटों की ये ईवीएम की करामत है, उसकी बदौलत ये लोग बरसर इख्तदार आए हैं और कांग्रेस इसी तरीके से आती रही है। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट ने ये बता दिया है कि अब इस देश में अगर ईवीएम के ज़रिए ही कहना चाहिए कि वोटिंग होगी तो मुसलमानों का वोट ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी मुसलमानों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को वोट दिया है, तो वो बराबर ऐसे ही वो करेंगे। इसलिए इसके ख़िलाफ़ आंदोलन में सबसे ज़्यादा पेश माइनॉरिटीज़ और उसमें मुसलमानों को रहना चाहिए। जी, सोनभद्र में अभी एक हत्याकांड हुआ है जिसमें 10 आदिवासियों की जाने चली गई और 20 से ज़्यादा जो आदिवासी है जो घायल हो गए हैं, उसमें प्रशासन का बड़ा रोल है, पुलिस प्रशासन हो या आईएएस लेवल तक के अधिकारी उसमें शामिल है, तो क्या कहना है आपका इस हत्याकांड पर? इस किस्म के बड़े हादसात में जब तक के प्रशासन की मिली भगत नहीं होती और पहले से पूरी प्लानिंग नहीं होती, इस किस्म के हादसात देश में कभी नहीं होते। गुस्से गर्मी में कभी कभी कहना चाहिए कि बंदूकें निकल जाती हैं, लेकिन एक बंदूक एक 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 गोली सामने से निकलती है, दूसरी उधर से निकलती है, एक दो आदमी घायल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100-150 लोगों का इकट्ठा होना और ताकत के ज़रिए उन लोगों की ज़मीनों को हथियाना जो एक लंबे अरसे से उसके ऊपर काबिज रहे हैं और सिर्फ फर्जी दस्तावेजात के ज़रिए उनको बेदखल करना किसी तरीके से भी सही नहीं था, लेकिन ताकत के ज़रिए बंदूक के ज़रिए उन ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। हमें हैरत और अफसोस इस बात पर है कि इतना बड़ा हादसा यूपी में पेश आया और 10 पसमांदा तबकात के लोगों को देखते देखते मौत के घाट पर उतार दिया गया और पूरा देश खामोश है। इसके ख़िलाफ़ तो सड़कों के ऊपर तमाम मज़लूम तबकात को निकल आना चाहिए था और इन पसमांदा तबकात के साथ हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए था, उनके होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए थी, ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का मुतालबा करना चाहिए था, मज़लूमों के लिए बड़े से बड़े मुआवजे का मुतालबा करना चाहिए था। मज़लूम माइनॉरिटीज़ में हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हमें बुनियादी तालीम यही दी गई है कि जुल्म सितम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, हमें तो कम से कम खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन हम भी नहीं खड़े हुए। अब भी वक्त गया नहीं है, हमें कहना चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को करना चाहिए, बहुजन क्रांति मोर्चा को करना चाहिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ देश में एक आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। जी, जहाँ तक मुस्लिम तबकात की बात है, माइनॉरिटीज़ की बात है, मुस्लिम लोग धार्मिकता के आधार पर बड़े जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, राजनीतिक मामले में भी वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर भी किसी ना किसी, चाहिए फिर वो एसपी बीएसपी हो या कांग्रेस हो, उनको वो इकट्ठा वोट देते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो एससी एसटी ओबी के साथ ओबीसी के साथ में जो इत्तेहाद होना चाहिए उस प्रकार का इत्तेहाद नहीं हो रहा है और उसकी पहल मुस्लिम लोगों की तरफ से या मुस्लिम क़यादत जो है उनकी तरफ से नहीं हो रही है। क्या मुस्लिम मोर्चा इस इत्तेहाद को कायम करने के लिए क्या प्रोग्राम उनके पास है, क्या वो ऐसे आने वाले दिनों में करेगा? देखिए, एक साजिश के तहत हजारों साल से कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए कुछ ताकतें षड्यंत्र करती रहीं, पूरा देश उनको जानता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उन ताकतों को यह महसूस हुआ कि अब वोटों की बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमतें बनेंगी और उनकी संख्या बहुत कम है। असलन वही माइनॉरिटी है जिनकी तादाद जो है 3.5% से ज़्यादा नहीं है। जब उन्हें लगा वो वही मुग़ल दौर हुकूमत में भी वही पसे पर्दा हुकूमत करते थे और उससे पहले से भी करते आए हैं, अंग्रेज़ों से भी इन्होंने समझौता किया और अपनी पॉलिसियों को नाफिज कराते रहे, लेकिन जब देश में एक नया दस्तूर बना, संविधान बना बाबा साहब अंबेडकर की सरपरस्ती में और उनकी रहनुमाई में, तो उन्हें दिन में तारे नज़र आने लगे कि अगर कमा हक कहूँ
इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इस देश में जो हम आज तक राज करते रहे हैं हमें राज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इन्होंने पसमांदा तबकात को और मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटने और तोड़ने की कोशिश की ताकि एक तबके को अपनी तरफ धर्म के नाम पर करके देश में हुकूमत की जाए, ये वही करते आए हैं। हम बदकिस्मती से सही सूरत हाल को नहीं समझ सके और हमने हिंदू मुस्लिम की इस्तेलाह में हम सोचते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम क़यादत इस बात को महसूस कर रही है ये हरगिज़ हरगिज़ हिंदू मसला नहीं है, ये ज़ालिम व मज़लूम का मसला है, ये एस टी एस सी ओ बी सी और माइनॉरिटीज़ का मसला है। इसलिए हमें इसी अंदाज में इसका तोड़ करना चाहिए और इसको काउंटर करना चाहिए। अब समझ में आ रही है बात और वो अब इस तरफ आ रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि सड़क के ऊपर आप देखेंगे कि जब कहीं कोई अन्याय होगा, चाहे ये अभी यूपी में हुआ जिसमें 10 पसमांदा तबकात के लोग मार दिए गए, या मॉब लिंचिंग की बात हो, या घोड़े के ऊपर किसी दलित को के सवार होने के बाद उसको मार दे, ऐसा जब कभी कोई वाकया होगा तो इसके ख़िलाफ़ आंदोलन के लिए खड़े होने वालों में माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पर मुसलमान, सिख, ईसाई होंगे, ST, SC, OBC वगैरह होंगे, मिलकर इस जुल्म को वो करना चाहिए कि काउंटर करेंगे और कोई भी कम्युनिटी तने तना इसका मुकाबला नहीं कर सकती और कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी के लिए ज़रूरी है सब इकट्ठा हों और मुस्लिम कम्युनिटी इस बात को अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। वो वक्त दूर नहीं जब वो भी कहना चाहिए कि पूरे तौर पर मज़लूमों को साथ में लेकर, उनको साथ देकर मैदान में उतरेगी, आंदोलन करेगी और मसला हल होगा। हाँ जी, ईवीएम की विरोध में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो 26 जून से निकल रही है वो 26 जुलाई को दिल्ली में पहुंचेगी। आप भी दिल्ली में हैं तो मुस्लिम समाज को और ख़ासकर सारे बहुजन समाज को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, खासकर दिल्ली के बात करें तो? मैं इस देश की तमाम माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पर मुसलमानों से ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ईवीएम में घोटाले की वजह से हमारी 15% वोट ज़ीरो कर दी गई है। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कितना ही चीखें चिल्लाएं और उनके ख़िलाफ़ वोट करें, लेकिन मशीनें इस तरीके से तैयार कर ली गई हैं कि जिनको हम वोट देंगे वो मशीन वोट उधर ट्रांसफ़र नहीं करेगी बल्कि कमल को ही ट्रांसफ़र करेगी, या जिसको वो मशीन चाहे उसको ट्रांसफ़र करेगी। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए, आज़ादाना इंतखाबात के लिए, हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए हमारा अव्वलीन मिली फरीज़ा है मुसलमानों का कि वो सबसे ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 26 जुलाई को वामन मिश्राम साहब बामसेफ के चेयरमैन की सरकर्दगी में जो बड़ी रैली भारत की ईवीएम मशीन के ख़िलाफ़ 26 जुलाई को 12 बजे से शुरू हो रही है, मैं अपने देश के तमाम मुस्लिम भाइयों, माइनॉरिटीज़, ST, ST, OBC वगैरह से पुरजोर अपील करूंगा कि इसे कामयाब करने की पूरी कोशिश करें और भारी संख्या में वहां पर हाज़िरी लगाएं। जुमे का दिन है, या तो जुमे की नमाज़ से एक घंटा पहले आकर वहां मौजूद रहें और जुमे की नमाज़ के लिए चले जाएं, फिर वापस आएं, या जुमे के करीब की मस्जिद में जुमा पढ़ें और जुमा पढ़ के फौरन उस रैली में शरीक हों, लेकिन शरीक ज़रूर हों। ये हमारा वतनी और मिली फरीज़ा है, इसमें कोताही हरगिज़ हरगिज़ ना करें। अगर हमने कोताही की तो हमें काफ़ी अफसोस मलना पड़ेगा। जी शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अजहरी साहब। उन्होंने जो बातें कही है, पहले तो मॉब लिंचिंग जो है वो कम्युनल मसला नहीं है, वो धार्मिक मसला नहीं है, वो सियासी मसला है और सियासी तौर पर ही उसका हल निकाला जा सकता है, मजलूमों में इत्तेहाद करके ही उसका हल निकाला जा सकता है। और अंत में उन्होंने जो बात कही है वो ये कि 26 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर दोपहर 12 बजे से बहुजन क्रांति मोर्चा की राष्ट्रव्यापी जो परिवर्तन यात्रा आ रही है उसका एक कार्यक्रम जंतर मंतर पर होगा। तो सभी बहुजन समाज को उन्होंने अपील की है कि दोपहर 12 बजे के बाद आपको वहाँ आना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MNTV।
धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।